महाराष्ट्र 70 में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। मुंब्रा शहर में जहां पीने के पानी को लेकर जहां हाहाकार मचा हुआ है, राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोपों का बाजार जहां गर्म है, वहीं जनता के लिए एक बार फिर जफर नोमानी ने पीने का पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए शादी महल और ईशा नगर के लोगों के लिए पाइपलाइन वॉल का काम शुरू किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा जफर नोमानी ने, देखिए। जफर भाई, जिस तरह काफी पानी को लेकर विवाद हुआ था, फिर उसके दूसरे दिन से पानी का काम चालू हो गया और लोगों ने आपकी सराहना की है और लोगों ने आपका सपोर्ट भी किया, तो किस तरह का काम चालू है वहां पर रस्ते पर, उसकी क्या जानकारी थी? देखिए, जहां पर अभी काम चालू है ना, इससे पहले भी मैंने वहां पर खड्डा खुदवा करके वो लाइन को चेक किया था जो ईशा नगर को गई है, ताकि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। मैं उसकी दो तीन वीडियोस फोटोज भी आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी भी काम चालू है। मैं वो एक्चुअली जब वो वाकया हुआ तो मैं गांव में था, मैं गांव था नहीं, मैं सेकंड डे आया। और अभी मैंने सालों के साहब को मैं सेकंड डे आया जाके मुलाकात किया और मैंने कहा कि सर, जो स्ट्रेट लाइन आई है ना, उसके पास एक वॉल बिठा दीजिए, ताकि जो स्ट्रेट पानी जाता है ना, उसको कुछ टाइम के लिए हम वॉल वहां पर लगा के बंद करके ईशा नगर को पानी टर्न करें। हो सकता है उसका पानी, उसको वॉल लगाने से पानी का प्रेशर वहां बढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चालू है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये मसला हल हो जाए और जो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप पानी की वजह से लग रहा है, ये मसला खत्म हो। और मैं उन बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहनें, अगर पानी उस लाइन में नहीं पहुंचा तो मैं मेरी ऑफिस के पास से आपको लाइन देने के लिए तैयार हूं, और अगर मेरी कुछ मदद लगे तो आप मुझसे मदद लीजिए। आप, मैं चाहता हूं कि पानी का मसला हल हो, पानी की वजह से जो हमारे आपस में नाइत्तेफाकियां और बुराइयां पैदा हो रही है, खत्म हो। हम कोशिश ये करते हैं हमारे वार्ड के लोगों को हमेशा उनके मसले को हल करने के लिए, सुलझाने के लिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पानी की वजह से कोई विवाद हो, और पानी एक बुनियादी चीज है, पानी हर आदमी को मिलना चाहिए। और मैं थाने महानगर पालिका और हमारे मुंब्रा प्रभाग समिति के, जो हमारे मुंब्रा प्रभाग समिति वाटर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है सालों के साथ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईशा नगर का विजिट करें। मैंने आज भी उनसे बात की है, मैंने कहा कि साहब, वो वॉल बिठाने के बाद यहाँ पर एक हमारी जो एंडिंग पॉइंट है, दोनों ईशा नगर का और शादी महल का, वो लाइन को खोलें, उसको वॉश करें, अगर उसमें कुछ फंसा है तो निकल जाएगा पूरे प्रेशर के साथ। मैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वॉल लगाने के बाद पानी का मसला ईशा नगर का हल होना चाहिए इंशाल्लाह। जफर भाई, जिस तरह पानी को लेकर राजनीति भी चालू हो गई है मुंब्रा में, तो क्या पानी को लेकर राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पानी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मसले का हल ढूंढना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मसले को हल निकाल करके। देखिए, मैं क्या बोलता हूं, मैं मोदी जी की तरह बोलूं कि 15 लाख मिल जाएंगे और मिल नहीं रहे। मैं अगर 15 लाख दे दूं और राजनीति करूं ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये चाहता हूं कि पानी का मसले का हल निकालना चाहिए। पानी कैसे मुंब्रा कौसा के वासियों को मिलेगा? मुंब्रा शहर में हर वार्ड में एंडिंग पॉइंट पर पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे, इस वीडियो के बाद से मेरे पास कम से कम कई वार्ड से फोन आए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं शहर के तमाम जिम्मेदारों से, तमाम लीडरान से, तमाम नगर सेवक से, आमदार साहब से, खासदार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, पानी जल मंत्री से मुलाकात करके 5 MLD या 10 MLD मुंब्रा कौसा के लिए पानी बढ़वाइए, नहीं तो ये मसला हल वक्ती तौर से तो हो जाएगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा, और आने वाला वक्त पानी को लेकर के बहुत खतरनाक होगा मुंब्रा कौसा के लिए।